हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में जेईई मेन 2024 का 27 जनवरी से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ए 3x3 मैट्रिक्स है, 2 0 2 1 0 0 0 1 1 1 0। B1 B2 B3 मैट्रिक्स है, जहाँ पे B1 कॉलम मैट्रिक्स है। ये B1 जो है इसका ऑर्डर 3x1 होगा। उसी प्रकार B2 भी कॉलम मैट्रिक्स है, B3 भी कॉलम मैट्रिक्स है। एंड जो ये B1 B2 B3 ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अल्फा इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी एंड बीटा इक्वल टू डायगोनल सम ऑफ मैट्रिक्स बी, इन द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है। सॉल्यूशन, लेट B1 ये जो कॉलम मैट्रिक्स को लेते हैं X1 X2 X3। तो B1 को X1 X2 X3 ले लिया, देयरफॉर AB1, इससे ये B1 को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, दिस इनटू दिस होगा 2X1 प्लस X2, फिर यहाँ पे X3, इससे इसको मल्टीप्लाई करने से X1। ये किसके साथ इक्वल होना है, 2 3 1 इसके साथ इक्वल होना है। तो फिर X1 का वैल्यू क्या होगा, सो B1 इक्वल टू X1 मतलब 1, X3 मतलब 3। तो X1 का वैल्यू यहाँ पे 1 डालने से 2 हो गया, तो X2 इक्वल टू 0। सो B1 जो कॉलम मैट्रिक्स है वो B1 होगा 1 0 3। अब B2 ये मानने से, दिस इज B2, ए एंड B2 का प्रोडक्ट सेम ही होगा, लेकिन B2 क्या है, 2 0 0। उसका मतलब X1 इज 0, सो B1 B2 कॉलम क्या होगा, X1 मतलब 0, X3 मतलब 0। X1 0 होने से X2 होगा 2, तो B2 ये होगा। फिर B3 अगर X1 X2 X3 है तो B3, तो A B3 सेम ही होगा, यही होने वाला है। लेकिन ए बी थ्री क्या दिया है, 3 2 1 3 2 1। तो B3 का X1 का वैल्यू क्या होगा, सो B3 कॉलम का X1 होगा 1, X3 होगा 2, X1 1 है तो यहाँ पे 1 डालने से 2, 2X2 इक्वल टू 3, तो फिर X2 1 होगा। सो B1, B2, B3 कॉलम मिल गया। देयरफॉर जो हमारा जो मैट्रिक्स है, देयरफॉर मैट्रिक्स B इक्वल टू B1 इज 1 0 3, B2 इज 0 2 0, B3 इज 1 1 2। सो डिटर्मिनेंट ऑफ B क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ B इससे मल्टीप्लाई 4 -1 4 माइनस प्लस दिस माइनस दिस माइनस 6, 4 - 6 इज -2। सो डिटर्मिनेंट ऑफ बी -2 है। सो डायगोनल सम, दैट इज दिस इज योर अल्फा एंड बीटा, डायगोनल का सम क्या है, 5। हमको निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब इज -8, बीटा क्यू इज 125। देयरफॉर अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू कितना हो गया, 117। सो हमारा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का वैल्यू 117 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। सो लेट एफ एक्स इक्वल टू द पावर साइन x-3 डिवाइडेड बाय x- ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x व्हेन x इज लेस देन 3।
एफ एक्स इक्वल टू ए इंटू मोडलस ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7 डिवाइडेड बाई बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 7 जब एक्स ग्रेटर देन 3 है एंड एफ एक्स इक्वल टू बी। और ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू बी एट एक्स इक्वल टू 3 ये फंक्शन कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3 देन द पेयर ए कॉमा बी बोलना है, ए बी का वैल्यू निकालना है, तो ये ऑप्शन में से कौन सा होगा उसको निकालना है। सॉल्यूशन, सो लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 निगेटिव, सो 3 पॉइंट में लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, सो जब x लेस देन 3 लेकिन x 3 के पास जा रहा है तो ये होगा 2 टू द पावर साइन x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू 3 इज 2। सो लिमिट, अब लिमिट डालने से लिमिट डाला जा सकता है, x यहाँ पे 3 के पास जाने से x माइनस 2 इज 1, नीचे हो गया 1 ऊपर हो गया, एक्सटेंडिंग टू 3 होने से साइन 0 के ओर जा रहा है, साइन 0 इज 0, तो 0 बाई 1 इज 0, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू हो गया 2 टू द पावर 0 मीन्स 1। ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट जो फंक्शनल वैल्यू के साथ सेम होना है, देयरफॉर बी इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 3, ये होना है लिमिट, दैट मीन्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 फ्रॉम निगेटिव एफ एक्स, ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू वो लेने से हमको मिल रहा है एफ ऑफ 3, फिर बी है सो बी का वैल्यू 1 हो गया। फिर राइट हैंड लिमिट लेते हैं, राइट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 फ्रॉम पॉजिटिव, सो यहाँ पे ए मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7 डिवाइडेड बाय बी एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 7। यहाँ पे भी लिमिट डाला जा सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, मॉडुलस इज कंटिन्यूस फंक्शन, मॉड फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, सो इसमें लिमिट डाला जा सकता है, कोई भी हर पॉइंट में ये कंटिन्यूस है, सो यहाँ पे वैल्यू डालने से ए ए हो गया माइनस 9 3 12 36 प्लस 7 नीचे में बी 9 प्लस 36 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू ए 36 माइनस 38 और नीचे हो गया बी 38, सो मॉडुलस 38 ही होगा, 38 कैंसिल होने से ए बाय बी, सो राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 फ्रॉम पॉजिटिव एफ एक्स, ये हो गया हमारा राइट हैंड लिमिट। फिर राइट हैंड लिमिट किसके साथ सेम होना है, एफ ऑफ 3 के साथ, एफ ऑफ 3 इज एफ ऑफ 3 क्या है, बी है एंड बी का वैल्यू हमको 1 मिला है, दैट मीन्स यहाँ से मिला है ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू 1, तो फिर ये जो ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी है दैट इज सेम एज 1,1, तो आंसर हमारा 1,1 होगा, तो यहाँ पे 1,1 कहीं पे नहीं है, तो ये प्रॉब्लम का आंसर डी होगा। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3, इफ एफ एक्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0,0,0,1 कंसीडर एस वन विद स्टेटमेंट एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई एस टू इक्वल टू एस टू इज एफ ऑफ माइनस एक्स इज इनवर्सेबल, तो हमको ये चार में से कौन सा ऑप्शन सही है बोलना है, एस वन इज ट्रू एस टू इज फॉल्स एस वन एस टू आर ट्रू एस वन इज फॉल्स एस टू इज ट्रू
एस वन एस टू बोथ आर फॉल्स. तो सॉल्यूशन एफ एक्स एफ वाई कॉस एक्स साइन एक्स जीरो साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 वन कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो साइन वाई कॉस वाई जीरो 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 वन. ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से, इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से कॉस एक्स कॉस वाई कॉस एक्स कॉस वाई, थोड़ा इधर से लिखते कॉस एक्स कॉस वाई, फिर माइनस साइन एक्स साइन वाई, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से कॉस एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई, फिर इधर जीरो. इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, फिर इधर मल्टीप्लाई करने से साइन एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, फिर जीरो, फिर इससे मल्टीप्लाई करने से जीरो जीरो वन मिल रहा है. फिर इसको बोल सकते हैं कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ पे मिल रहा है माइनस साइन एक्स प्लस वाई जीरो, ये हो गया साइन एक्स प्लस वाई, ये हो गया माइनस कॉस प्लस कॉस एक्स प्लस वाई जीरो 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 वन. दैट मीन्स क्या मिला है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई. दैट मीन्स एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, जो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. अब सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं. एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, सो एफ ऑफ माइनस एक्स इज कॉस माइनस एक्स मतलब कॉस एक्स, यहाँ पे डालने से साइन एक्स जीरो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 वन. कॉस ऑफ माइनस एक्स इज कॉस एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, सो प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया. सो डिटर्मिनेंट ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, इसमें से ब्रेक करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल टू वन नॉट इक्वल टू जीरो. डिटर्मिनेंट ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज वन नॉट इक्वल टू जीरो, सो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इनवर्सिबल. दैट मीन्स ये जो मैट्रिक्स है ये इनवर्सिबल मैट्रिक्स है. दैट मीन्स एस टू स्टेटमेंट भी ट्रू है. दैट मीन्स एस वन एंड एस टू बोथ आर ट्रू. तो एस वन एस टू दोनों ट्रू है, तो ये प्रॉब्लम का ऑप्शन सेकेंड सही होगा. इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू वेरी मच.